अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल? आई होप कि आप सब खैर से होंगे। तो फाइनली 2025 मॉडल इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये है जी 2025 मॉडल। प्राइस, सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले ग्राफिक की बात कर ले तो टैंक के ऊपर कैश डिपॉजिट आ रहा है। काफ़ी लोग यही कह रहे हैं कि ये 2005 वाले मॉडल से मिलता जुलता ग्राफिक है, क्योंकि उसमें भी यही कम्बिनेशन था जो आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं। थोड़ा सा सिल्वर का टच है कम्बिनेशन में, और ऑरेंज येलो येलो शेड से जो है ये कलर है, ठीक है। बीच में ब्लैक कलर भी ऐड है, ब्लू भी ऐड है। तो ये है जी ग्राफिक। साइड के इसके ऊपर CD70 आ रहा है और कैश डिपॉजिट जो है टैंक के ऊपर आ रहा है। उसके बाद आपको ग्राफिक कैसा लगा आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। फ्रंट लुक की बात कर ले तो फ्रंट लुक वैसे ही है जैसे कि ऑलरेडी आपको मिल रही थी। ना ही तो हेडलाइट में कोई चेंजेस है, ना ही मीटर में कोई चेंजिंग है। आपको मीटर भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले अगर मीटर को देख लें तो वो कम से कम मीटर के अंदर जो ग्राफिक है इसको ही चेंज कर देते, तो ग्राफिक भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है जैसा कि आप देख रहे हो। उसके बाद अगर इंडिकेटर्स की बात की जाए तो काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि इंडिकेटर्स या इसका जो लुक है उसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ये है जी होंडा का लोगो, जो कि ऑलरेडी जैसे पहले वाले मॉडल में मिल रहा था वैसे ही है। इसमें एक चेंजिंग की गई है, वो है जी इसके हब की। तो हब में आप देख सकते हैं कि हब में जो है इन्होंने कलर की चेंजिंग की है, कि हब में हब जो है वो कलर कर दिया। आपको हब भी दिखाते हैं। बाकी टायर वगैरह वैसे ही हैं जैसे ऑलरेडी मिल रहे थे 4 प्लाई के। हब की बात करूं तो हब में ये पहले जो है यहाँ पर कलर नहीं होता था, अब इन्होंने क्या कर दिया, पेंट कर दिया है। फ्रंट और बैक वाले हब में जो है पेंट कर दिया। यही चेंजिंग है इस वाले 2025 मॉडल में। इसके बाद ग्राफिक की चेंजिंग है, और इसके अलावा तो कोई और चेंजिंग नहीं है। ना ही तो इंजन में, इंजन में जो है पहले चेंजेस की थी 2024 मॉडल में। फ़िलहाल इंजन वैसे ही जैसे कि ऑलरेडी आपको मिल रहा था। प्राइस की भी बात करते हैं, और इसके अलावा काफ़ी लोगों को जो है ये उम्मीद होती है कि ग्राफिक के अलावा भी कोई चेंजिंग कर दी जाए, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सिलेंडर की बात करें तो 72 CM है जैसे कि ऑलरेडी आपको मिल रहा था। अब हम प्राइस की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये मेन चीज़ है। प्राइस जो है वही मिल रही है जैसे कि आपको ऑलरेडी मिल रही थी। इस बाइक की जो प्राइस है 1,57,900 है। एग्जॉस्ट की बात की जाए तो एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो सबसे अच्छा और बेस्ट जो है वो होता है इस CD मॉडल का, बनिस्बत चाइनीज़ बाइक के जो 70 CC होते हैं 78 CM सिलेंडर वाले। इसके एग्जॉस्ट की जो आवाज़ है वो अच्छी होती है। चैन कवर में भी कोई चेंजिंग नहीं है। चैन कवर आपको पेंटेड वैसे मिल रहा है सिल्वर कलर का, और जो शॉक्स हैं बैक शॉक्स वो भी आपको वैसे मिल रहे हैं। पंपी जो कि ऑलरेडी आपको मिल रही थी, या आप शॉक्स भी देख रहे हैं, तो CD70 की जो शॉक्स हैं वो चाइना बाइक से जो है बेहतर होती हैं, ये तो सबको ही इलम है। लेकिन फ़िलहाल इसमें टायर की बात की जाए तो टायर जो है 2.50 वाला मिल रहा है इसमें भी, और ये देख सकते हैं आप। और ये भी 4 प्लाई के हैं, फ्रंट और बैक दोनों 4 प्लाई के हैं। बैक साइड से भी वैसे ही है बाइक जैसे कि आपको ऑलरेडी मिल रहा था। और इंडिकेटर्स देख सकते हैं, बैक लाइट देख सकते हैं, ठीक है। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं की गई, चलो ज़्यादा नहीं तो बैक लाइट में तो चेंजेस कर ही सकते हैं। इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, अगर इंडिकेटर्स नहीं है आपसे चेंज हो रही तो बैक लाइट ही चेंज कर दो। ये है जी हब जो कि पेंटेड आपको मिल रहा है। पहले जो हब आ रही थी वो पेंटेड नहीं थी, अब ये वाली जो है कलर वाली आ रही है। सीट में भी कोई चेंजिंग नहीं है, ओवरऑल बाइक वैसी ही है। आपको ये बाइक कैसी लगी है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ग्राफिक काफ़ी लोगों को रेड कलर का पसंद नहीं आया, क्योंकि ये 2005 मॉडल में भी यही कम्बिनेशन था, यही कलर्स थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज है। बाकी जो ब्लैक कलर है वो बहुत ही प्यारा है, वो उसकी वीडियो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।